सभी भाइयों को जय देव और जय माँ भवानी। आज हम आपको ऐसे महान राजपूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको बताओ। आज हम बात करेंगे विद्याधर चंडेल और चंडेल राजवंश की। चंडेल राजपूतों की चंद्रवंशी शाखा में से है। चंडेल राजपूतों ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से पर 10वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक राज किया। सन 1003 ईस्वी को बुंदेलखंड के राजा विद्याधर चंडेल बने, जो एक महान राजपूत राजा थे। उस समय मोहम्मद गजनी ने हिंद पर हमला करना शुरू कर दिया और उसने दिल्ली के तोमर, कन्नौज के राठौर और प्रतिहार राजपूतों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक बार मोहम्मद गजनी की सेना महाराजा विद्याधर चंडेल की सेना पर हमला करने आई। चंडेल राजपूतों ने मोहम्मद गजनी की सेना को बुरी तरह से हराया और वहां से उनको खदेड़ दिया। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चंडेल राजपूतों ने एमपी के कुछ हिस्से पर राज किया, लेकिन 13वीं सदी के बाद लगातार हमलों के बाद चंडेल राजवंश बिखर गया और चंडेल राजवंश छोटी छोटी जिम्मेदारियों में बट गया, जिसको 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतों ने फिर खड़ा किया और पीढ़ी दर पीढ़ी बुंदेलखंड पर बुंदेला राजपूतों ने राज किया। और दूसरी तरफ 14वीं सदी से बहुत से चंडेल राजपूत यूपी के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड, हिमाचल में आकर बस गए। हिमाचल में इन्होंने अपनी दो रियासतें भी बना ली, नालागढ़ और बिलासपुर, जिनके महाराजा आज भी जिंदा हैं। बिलासपुर के राजा डॉक्टर गोपाल चंद जी हैं। बिलासपुर के वे 45वें राजा हैं जो गोपाल चंद पैलेस में ही रहते हैं और दूसरे महाराजा नालागढ़ के हैं, जो कि राजपूत महाराजा राजा विजेंद्र सिंह हैं, जो राजमहल नालागढ़ में ही रहते हैं। बिलासपुर की चंडेल राजपूत रियासत में एक महान राजपूत भी हुए, जिनका नाम था जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह बिलासपुर की चंडेल राजपूत रियासत के कलूर इलाके में हुए और कलहूर इलाके में होने की वजह से उनके वंशज आगे जाकर कलहूरिया राजपूत कहलाए। जनरल जोरावर सिंह कलहूरिया ने जम्मू आते ही सबसे पहले रियासी पर राज किया, रियासी के बे राजा बने और बाद में महाराजा गुलाब सिंह के सेनापति बन गए। महाराजा गुलाब सिंह के जनरल बनते ही उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह को लेह, लद्दाख, गिलगिट, बल्टिस्तान, स्काडू पूरा इलाका जीत कर दिया और उन्हीं की वजह से आज लद्दाख भारत का हिस्सा है। और कहलूर रियासत में आने की वजह से उनके वंशज आज अपने आप को कलहूरिया राजपूत भी कहते हैं। तो ये थी कहानी चंडेल राजपूतों की।